नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है द न्यूज टाल पर, जहां पर हम जानने वाले हैं देश और दुनिया की 50 से भी ज्यादा बड़ी खबरें। तो आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के जानते हैं 10 मिनट में 50 फटाफट बड़ी खबरों को। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले सभी दोस्तों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रकाश पर्व आपके जीवन में सुख संपन्न और सौभाग्य लेकर आए, पीएम मोदी। अमित शाह ने देशवासियों को दी दीपावली की बधाई। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय सेना के जवानों के साथ मनाई दिवाली, अपने हाथ से खिलाई मिठाई। देश में कोविड 19 के 12,885 नए मामले आए सामने, पिछले 24 घंटों में 461 मरीजों ने तोड़ा दम। मोदी सरकार ने दिवाली से पहले दिया खास तोहफा, आम आदमी के लिए घटाई पेट्रोल और डीजल की कीमतें। पेट्रोल डीजल सस्ता होने के बाद चिदंबरम ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, बोले उपचुनाव के नतीजों के चलते लिया गया फैसला। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दी दीपावली की बधाई, पर्यावरण की रक्षा करने का लोगों से किया अनुरोध। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दी दिवाली की शुभकामनाएं, कहा प्रकाश का यह पर्व प्रत्येक परिवार के लिए लाए सुख समृद्धि। चीन पर अमेरिका की आई होश उड़ा देने वाली रिपोर्ट, भारत को सीमा विवाद में उलझाकर पूरा किया अपना प्लान। महाराष्ट्र में मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल लाए गए अनिल देशमुख, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी बोले सर्जिकल स्ट्राइक में जवानों ने जो भूमिका निभाई वो देश के हर नागरिक को गर्व से भर देती है। राजस्थान सरकार ने अतिवृष्टि बाढ़ से नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार से मांगे 757 करोड़ रुपए। केंद्र की बात, बिहार ने दिया दिवाली का तोहफा, पेट्रोल के दाम 3.20 रुपए तो डीजल के 3.90 रुपए प्रति लीटर तक घटाए। डीआरडीओ ने किया स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियारों का सफल परीक्षण, डीआरडीओ और वायुसेना ने पोखरण रेंज में दिया अंजाम। सीआरपीएफ के रिटायर्ड कर्मियों का सम्मान, निधन पर डीजी की तरफ से दी जाएगी सलामी, मिलेगी आर्थिक मदद। पेट्रोल डीजल की घटाई गई कीमतों पर प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा यह दिल से नहीं डर से लिया गया फैसला। उपचुनाव में खराब प्रदर्शन पर भाजपा नेतृत्व करेगा बदलाव, स्मृति ईरानी को मिल सकती है बंगाल की जिम्मेदारी। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती, पीएम मोदी का संवेदनशील फैसला, आम आदमी को मिलेगी राहत, बोले गृह मंत्री अमित शाह। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए लगाई गई खास पंडाल, टिकट काउंटर से लेकर खाने पीने की सुविधाएं भी उपलब्ध। बिहार में शांति और सौहार्द से मने दिवाली का त्यौहार, इसलिए पुलिस मुस्तैद, अग्निशमन दल तैयार, तो शराब तस्करों पर भी पैनी नजर। बिहार के बेतिया में जहरीली शराब पीने से 8 लोगों की मौत, दिवाली के एक दिन पहले गांव में मौत का मातम। उत्तर प्रदेश के कानपुर में दिवाली पर फूटा जीका वायरस बम, मिले 56 और संक्रमित। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने की एक्साइज ड्यूटी और कम करने की मांग, बोले केंद्र के टैक्स कम करने से खुद कम हो जाता है राज्य का वेट। हरियाणा सरकार ने भी वेट में दी छूट, अब 12 रुपए सस्ता हुआ पेट्रोल और डीजल। T20 विश्व कप के बीच BCCI चयनकर्ता ने की बैठक, न्यूजीलैंड के बजाय साउथ अफ्रीका दौरे के लिए चुने खिलाड़ी। असम के तेजपुर में महसूस हुए भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर 3.7% मापी गई तीव्रता। कश्मीर के SKUAST में स्मार्ट कृषि पर 2 सप्ताह का प्रशिक्षण शुरू, आधुनिक तकनीक पर दी जाएगी जानकारी। जलवायु परिवर्तन का असर, 2030 तक 24% कम हो जाएगा मकई का उत्पादन, गेहूं की बढ़ेगी पैदावार। WHO की मंजूरी के बाद खुले रास्ते, अब कोवैक्सीन लगवाने वाले भारतीयों को 8 नवंबर से अमेरिका में मिलेगी एंट्री।
कांग्रेस ने ओडिशा तेलंगाना में अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए बनाई समिति, सोनिया गांधी से मिली मंजूरी। 12 लाख दियो से जगमग हुई श्री राम की नगरी, केंद्रीय मंत्री बोले 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक पर्यटन स्थल होगा अयोध्या। साईं भक्तों के लिए खुशखबरी, आज शिरडी मंदिर में धूमधाम से मनेगा दीपोत्सव, कोरोना नियमों का करना होगा पालन जरूरी। दिवाली के बाद यूपी में भर्तियों की बहार, हजारों बेरोजगारों के लिए खुलेंगे रोजगार के दरवाजे। मध्य प्रदेश में प्रेमी को कर्जे से उबारने के लिए लड़की ने पिता की तिजोरी से निकाल कर दिए 80 लाख के गहने, परिवार को सुना दी लूट की झूठी कहानी। दिल्ली हाई कोर्ट ने वेबसाइट से वेब ट्रैफिक डाइवर्ट करने के मामले में गूगल को दिए जांच के आदेश। अपील हुई बेअसर, पंजाब में एक दिन में रिकॉर्ड 3000 से ज्यादा जगहों पर जलाई पराली, यूपी में 87 और हरियाणा में 203 घटनाएं। कोरोना वायरस पर पश्चिमी बंगाल में 919 नए संक्रमण के मामले आए सामने, 14 लोगों की मौत हुई। अब आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल करना पड़ेगा भारी, लगाया जा सकेगा 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। टिकेट की सख्त चेतावनी, किसान को छू कर देख ले भीड़ दिख जाएगी, उपचुनाव के नतीजों से सबक ले सरकार। मद्रास हाईकोर्ट का फैसला, एक साथ रहने से वैवाहिक अधिकार नहीं मिल जाते, कानूनी तरीके से विवाह जरूरी। 100 करोड़ की वसूली मामले में नया मोड़, देशमुख के खिलाफ सबूत होने से परमवीर सिंह का इनकार, आयोग के समक्ष हलफनामा पेश। बालाकोट के नायक को दिवाली तोहफा, विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को ग्रुप कैप्टन रैंक मिली। गोवा में केजरीवाल ने किया मुफ्त तीर्थ यात्रा का वादा, तो मुख्यमंत्री सावंत ने बताया कॉफी मास्टर। सीएम योगी ने वनटांगिया गांव में मनाई दिवाली, बोले रामराज्य का सपना हुआ साकार। मिशन 2022 के तहत सपा मुखिया अखिलेश यादव को घर में घेरेगी भाजपा, अमित शाह करेंगे रैली। दिल्ली के अस्पतालों में मिल रहा डेंगू का चौथा स्ट्रेन, पूरे परिवार पर खतरा मंडराया, अलर्ट हुआ जारी। दिल्ली में दिवाली पर अस्पतालों में अलर्ट, बर्न और इमरजेंसी रहेंगे सक्रिय, वरिष्ठ डॉक्टरों की लगाई ड्यूटी। उत्तराखंड में महंगाई के विरोध में पूर्व सीएम हरीश रावत का मौन उपवास, आज कल कांग्रेस करेगी शिवालयों में जलाभिषेक। हिमाचल में बारिश और बर्फबारी के आसार, केलांग का न्यूनतम तापमान -4.6 डिग्री सेल्सियस तक गिरा। दिवाली पर बड़ी साजिश नाकाम, पंजाब के फिरोजपुर में टिफिन बम मिले से हड़कंप, जलालाबाद धमाके से जुड़े तार। पंजाब पुलिस में गैर पंजाबियों की भर्ती की रिपोर्ट तलब, 6 नवंबर को होगी कैबिनेट बैठक। राजस्थान में आयकर विभाग ने 33 परिसरों में छापा मारा, 50 करोड़ की काली कमाई का लगाया पता। लालू यादव की फिर बिगड़ी तबीयत, राबड़ी देवी और तेजस्वी के साथ दिल्ली रवाना। बिहार उपचुनाव में जीत से उत्साहित नीतीश का लालू यादव पर निशाना, बोले जनता ने अहंकार को किया चूर चूर। छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, कहा हर महीने 1 करोड़ वैक्सीन की खुराक और सीरीज कराए उपलब्ध। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।